हाय दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को जापान के बारे में पांच हैरान करने वाली बातें बताने वाला हूं। नंबर वन, अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं जापान के बारे में, इसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यहां पर एक ऐसा कानून है जिसके तहत 44 ईयर से लेकर 74 ईयर तक के लोग को फैट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मोटे नहीं हो सकते हैं। अगर वह किसी कंपनी में काम करते हैं तो वह उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह अपने एम्प्लॉय को फिट रखे। रिटायर होने के बाद भी वह कंपनी अपने एम्प्लॉय को फिट रखना ज़रूरी है। अगर कंपनी ऐसा करने में फेल हो जाती है तो कंपनी पर जापान की सरकार द्वारा काफ़ी बड़ा जुर्माना लगाया जाता है, जो कि कई 100 करोड़ रुपये तक जा सकता है। दोस्तों, वहाँ पर यह नियम वहाँ की लोकल गवर्नमेंट तक को फॉलो करना पड़ता है। उन्हें वहाँ के अपने काम कर रहे सरकारी कर्मचारी और वहाँ पे अपने नागरिकों तक के कमर का नाप लेना पड़ता है सालाना एक बार, जिसमें मर्दों की कमर होनी चाहिए 33 इंच और महिलाओं की कमर होनी चाहिए 35 इंच। अगर उनकी कमर इससे ज़्यादा है तो उन्हें सही डाइट देकर और सही एक्सरसाइज देकर उन्हें वापस से फिट कराया जाता है। दोस्तों, इस कानून का नाम है मेटाबू लॉ, जिसे कि जापान की सरकार ने साल 2008 में अपने देश पर लागू किया था। नंबर टू, दोस्तों, अगर नींद अच्छे से पूरी ना हो तो पूरा दिन ख़राब चले जाता है। लोगों की नींद ना पूरी होने वजह से वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, यहाँ तक कि लोग सो भी जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके जो सुपीरियर्स होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों, कई बार तो लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, जापान में ठीक इसके उल्टा होता है। जापान में दोस्तों, अगर आपको सोना है तो आप वहाँ सो सकते हैं। इसे वहाँ पे पावर नैप बोला जाता है। वहाँ पे आधे घंटे से लेकर एक घंटे का पावर नैप होता है, जिसमें कि एम्प्लॉय अपने आराम से जाकर सो सकता है। या वहाँ पे तो इवन दो रूम बने हैं इनके लिए, जिनमें एम्प्लॉय जाके आराम से सो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ की कंपनियों का मानना है कि इससे कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि अगर उनका एम्प्लॉय अच्छे से रेस्ट कर लेगा और वो अपनी पावर नैप लेगा तो उससे क्या है, वो कंपनी में पूरी तरीके से 100% फोकस करके काम कर पाएगा, जिसकी वजह से कंपनी की आगे जाके बढ़ोतरी होगी और जिससे कंपनी आगे बढ़ेगी। नंबर थ्री, जापान में दोस्तों, वहाँ की रेलवे व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ट्रेन कुछ सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती। इसी बात के लिए ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर कोई व्यक्ति जापान में ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देता है या कि सुसाइड कर लेता है तो उसके परिवार से दोस्तों वहाँ की सरकार कुछ फाइन लेती है, क्योंकि उसकी वजह से रेलवे व्यवस्था में एक बाधा आ गई। इस कारण से वहाँ पर उसके परिवार से कुछ फाइन लिया जाता है। नंबर फोर, दोस्तों, जापान में उम्र दराजों की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि वहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर युवाओं की आबादी बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर बेबी डाइपर से ज़्यादा अडल्ट डाइपर जो उम्र दराजों के लिए होते हैं, वो ज़्यादा वहाँ उनकी बिक्री होती है। दोस्तों, जापान, और मैं आपको बता दूँ कि जापान जो है दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले लोगों के देश में से गिना जाता है। यहाँ पर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भी एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा उम्र दराज लोग रहते हैं। नंबर फाइव, तो आप कभी भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाते होंगे, तो आप ये कोशिश करते होंगे कि आप उनके सामने एम्बेरेस ना हो जाए, यानी कि आप खाते हुए या चाय पीते हुए कभी भी कुछ भी आवाज़ नहीं करते होंगे। लेकिन दोस्तों, इसे जापान में रूड माना जाता है। अगर आप वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं और वहाँ पर अगर आपने नूडल खाते वक्त आवाज़ नहीं की, उसे सूप को पीते हुए जैसे आवाज़ निकलती उस प्रकार की आवाज़ अगर आपने नहीं की, तो इसका मतलब नूडल बनाने वाले को ये लगेगा कि उसके नूडल्स आपको अच्छे नहीं लगे हैं। ये वहाँ पर रूड माना जाएगा। लेकिन अगर आप आवाज़ करके खाएंगे तो उसे ये लगेगा कि उसके नूडल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।